टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता ने पेट्रोल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास। बोला जिलाध्यक्ष ने रुपए लेकर बेच दिए टिकट। खबर शिवपुरी जिले से आ रही है। यहां टिकट न मिलने से नाराज एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। नाराज कार्यकर्ता ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर टिकट बेचे जाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ता बंटी शर्मा ने बताया कि उसकी पत्नी राजकुमारी शर्मा कांग्रेस में जिला सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वह खुद 24 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में उसने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और ईमानदारी के साथ अपना काम किया। इस बार पार्षद के चुनाव में पत्नी के नाम पर वार्ड क्रमांक 18 से नामांकन दाखिल किया। वार्ड में कांग्रेस की ओर से उसका केवल सिंगल नाम था। टिकट के लिए वह कमलनाथ से भी मिलकर आया। आज जिलाध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा ने उन्हें बुलाया और कहा कि आपका टिकट फाइनल हो गया और सारे डॉक्यूमेंट लेकर कार्यालय आ जाओ, जिस पर वह अपनी पत्नी के साथ कार्यालय चला गया। यहां जिलाध्यक्ष शर्मा ने उन्हें बैठने को कहा। करीब एक घंटे बाद जिलाध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा ने बुलाया और कहा कि तुम्हारा टिकट कट गया। अब वार्ड 18 से अशोक राठौर की पत्नी कांग्रेस की ओर से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार होंगी। यह बात सुनते ही बंटी शर्मा अपना आपा खो बैठे और पेट्रोल लाकर अपने शरीर पर डाल दिया और आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ता कार्यालय पर ताला डालकर रफू चक्कर हो गए। बंटी ने जिलाध्यक्ष पर 5 से लेकर 15 लाख रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बंटी शर्मा। आपने जो आप ये आपके अपने ऊपर मिट्टी का तेल या पेट्रोल जो डाला है, क्यों डाला है? मैं कांग्रेस का 24 साल से कार्यकर्ता हूँ, ईमानदार 24 साल से। मैं मेरे बच्चे झंडा पकड़ के घूम रहे हैं। मेरा कमलनाथ जी की गाइडलाइन पर, मेरी पत्नी राजकुमारी शर्मा जिला कांग्रेस सचिव है, मेरा कमलनाथ जी की गाइडलाइन पर सामान्य महिला में सामान्य, पिछले वर्ग में पिछले वर्ग, हरियाणा में हरियाणा और आदिवासी में आदिवासी टिकट दिए गए हैं। मेरा टिकट सिंगल बाई डेटा था। मेरा टिकट अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले भी टिकट में दिक्कत आई थी। मैं कमलनाथ जी के यहाँ भोपाल गया, पूरी सर्वे डायरी वगैरह लेकर, तो मेरा टिकट फाइनल हो गया था। अभी 4:30 बजे श्री प्रकाश शर्मा जी ने मुझे बुलाया कि तुम्हारा टिकट हो गया, आप कागज लेके आ जाओ। मैं वहाँ कागज लेके पहुँचा, भाई बंटी आ गए तो मैंने टिकट को बाहर बैठ जाओ। 4:45 बजे मुझे बुलाया कि आप एक काम करो, तुम्हारा टिकट कट गया। अभी तक अशोक राठौर वार्ड क्रमांक 18 निवासी है, उसकी पत्नी पिछड़ा वर्ग से है, वो कांग्रेस की गाइडलाइन में सामान्य महिला सामान को दिया जाए। अशोक राठौर की पत्नी ने, अशोक राठौर 2 महीने से बोला, उसका कोई नाम नहीं था, उसको पता था टिकट नहीं मिलना है। 15 मिनट के अंदर 2.5 लाख रुपए में टिकट बेचा गया है, मोहित अग्रवाल के बाड़े में, गुना बाईपास पर, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष के यहाँ। और 2.5 लाख रुपये मुझे फोन आया कि 2.5 लाख रुपये में 4 टिकट बेचे हैं, 10 लाख रुपये में टिकट बेच के श्री प्रकाश शर्मा ने और कांग्रेस कार्यालय बंद करके भाग गया। मैंने अपनी आत्महत्या, मैंने अपनी आत्महत्या का मेरी जवाबदार श्री प्रकाश शर्मा और जिला कांग्रेस सचिव अध्यक्ष होगा, इस बात का इसका जवाबदार श्री प्रकाश शर्मा होगा। अच्छा बंटू, आपके अलावा और किस किस के टिकट बेचे हैं? बहुत टिकट कटे हैं, आप कैसे ले लेके बेचे हैं? कौन कौन के?